बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम डियर कोलीग्स टू दिस सेशन इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइबर बुलिंग साइबर बुलिंग जैसा कि आप जानते हैं इसके अंदर तमाम वो चीज़ें आ जाती हैं जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस कहलाते हैं वाइल्ड सिटिंग ऑनलाइन चूँकि वी यू का सिस्टम ऐसा है कि हमने ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रखा हुआ है तो हमारे स्टूडेंट्स हमारे टीचर्स हमारे कोलीग्स साइबर बुलिंग का ज़रूर शिकार रहे हैं और हो भी सकते हैं आगे के लिए तो इस सेशन में हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ें हों तो वो साइबर बुलिंग कहलाती हैं मिसाल के तौर पे हरेसमेंट डन थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कम्स डायरेक्टली अंडर साइबर बुलिंग व्हेन समवन रिपीटेडली मेक्स फन ऑफ एन अदर पर्सन जब आप देखें कि वो ऑनलाइन किसी शख्स का मजाक उड़ाया जा रहा है तो इसको हम साइबर बुलिंग कहेंगे रिपीटेडली, इंटेंशनली किसी को हरेस करना किसी को मिसट्रीट करना या किसी फंक किसी पर्सन का ऑनलाइन मजाक उड़ाते रहना ये भी साइबर बुलिंग कहलाएगा फिर यह है कि डिलीब्रेट यूज़ ऑफ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया टू कम्युनिकेट फॉल्स एंड एम्बेसिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्सन हम देखते हैं हमारे आसपास की ऐसी बेशुमार हमें मिसालें मिलती हैं जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन को ना सिर्फ शेयर किया जाता है बल्कि स्प्रेड किया जाता है इसी तरह कम्युनिकेशन पैटर्न्स के थ्रू किसी शख्स को इंटिमिडेट करना या उसके लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना तो उसका मेंटल पीस जो है वो एट स्टेक हो जाए ये तमाम चीजें साइबर बुलिंग की डेफिनेशन में आती हैं इसको अगर हम कंप्रीहेंसिवली uh, अगर हम एक्सप्लेन कर सकें तो वेन समूज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू इंटेंशनली हरेस Threaten, embarrass, intimidate, stalk, humiliate and make fun of someone. to तो ye तमाम जो मैंने terms बोली हैं आपके सामने चाहे इनमें से एक हो दो हो club करके काफ़ी सारी हो रही ho तो ये तमाम चीज़ें online harassment में या cyber bullying में आएंगी साइबर बुलिंग को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन कौन से टूल्स हैं जो साइबर बुलिंग के लिए एक टूल की हैसियत रखते हैं साइबर बुलिस ऑफन यूज ई मेल्स इंस्टेंट मैसेजिंग स्काइप गूगल मीट और एडोबी कनेक्ट या अगर आप जूम के सेशंस कर रहे हैं तो उसके लिए भी हो सकता है ये एक टूल हो टेक्स्ट मैसेज व या सेल फोन्स वीडियो में प्रोहिबिट किया जाता है कि टीचर ने स्टूडेंट्स के लिए अपने सेल फोन्स प्रोवाइड नहीं करने सेलफोन के नंबर्स आपने स्टूडेंट्स को नहीं देने फिर यह है कि डिजिटल फोटोज़ होती हैं और कोई डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं डिफरेंट चैनल्स हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के चैनल्स हो सकते हैं या आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल हो सकती है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन हो जो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टॉट होकर आगे जाए तो ये तमाम चीज़ें एज अ टूल इस्तेमाल होती हैं साइबर बुलिंग में फिर एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि वाई पीपल गेट साइबर बुलेट उसकी मेन रीज़न्स ये है कि उनकी अपेयरेंस की वजह से आप देख सकते हैं ये एक रिसर्च का जो ग्राफ है पाई चार्ट जो है इसमें सिक्सटी वन परसेंट अपेरेंस की वजह से साइबर बुलिंग होती है ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स की वजह से आपकी इंटेलिजेंस की वजह से होती हैं आपकी रेस की वजह से एथनीसिटी की वजह से सेवनटीन परसेंट आपके जेंडर की वजह से फिफ्टीन परसेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से आपके रिलीजन और आपके बिलीफ की वजह से और मुतफरक दूसरी कैटेगरीज को जब हम क्लब कर दें तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो इन्होंने क्लब की हुई हैं कि क्या रीज़न्स हो सकती अच्छा वीजियो में रहते हुए आ, आप जो टीचर्स हैं या आप जो कोलीग्स मुझे सुन रहे हैं कुछ एडमिन डिपार्टमेंट से हो सकते हैं कुछ हो सकता है डिफरेंट फंक्शन से हों जो इस वक्त ये आ, वीडियो को सुन रहे हों साइबर बुलिंग सिर्फ स्टूडेंट्स की एंड तक ही नहीं हो सकती आपस में कोलिग्स में भी हो सकती है ये टीचर्स भी साइबर बुलिंग का शिकार हो सकते हैं ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स एंड पे साइबर बुलिंग हो रही हो वी यू में ऐसे एक्सपीरियंसिस हैं हमारे अपने डिपार्टमेंट में हैं कि स्टूडेंट्स हमें कई दफ़ा बुली करते तो समाइम्स स्टूडेंट्स पोस्ट हार्श कॉमेंट्स एंड ई मेल्स टिकट्स एंड स्काइप मैसेजेस हमने एडोबी कनेक्ट का एक टूल रखा हुआ है या गूगल मीट का एक टूल रखा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन सेशन करने के लिए इसी तरह हम अपने स्काइप आईडीज़ भी उनके साथ शेयर कर देते हैं जिसमें हम उनके साथ फैसिलिटेशन मोड में चले जाते हैं तो कई दफ़ा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कुछ ऐसी पिक्चर्स नाजेबा पोस्ट कर देते हैं कुछ ऐसे पर्सनल बाइस्ड कमेंट्स कर देते हैं तो ये चीज़ें हैं जो आप वीजू में रहते हुए कोशिश करें कि इनको अवॉइड कीजिए फिर एक और प्रॉब्लम है कि टीचर भी कई दफ़ा वैसे तो ये मनसब नहीं है टीचर्स का कि वो स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट करें या उनको डराएँ तो आप ये यकीन रखिए कि सिर्फ सेक्शल हरासमेंट ही साइबर बुलिंग नहीं है स्टूडेंट को इंटीमिडिएट कर देना कि आपके मार्क्स कट जाएंगे असाइनमेंट में आपने मुझसे ये क्यों कहा कि आपने मेरी असेसमेंट स्किल्स को कैसे जज किया आपने ये क्यों कहा कि मैंने ठीक तरह से आपको जवाब नहीं दिया या मैंने आपकी असाइनमेंट को ठीक तरह से आपको ग्रेड नहीं किया और जब आप ये चीज़ें सोच के स्टूडेंट्स को डराएंगे तो ये भी साइबर बुलिंग में आएगी तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन है टीचिंग प्रोफेशन के लिए कि आपने अपने आप को एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स के लिए भी और अपने कोलीग्स के लिए भी वीजू में चूँकि यहाँ पे फ्लोर सिटिंग सिस्टम है आप एक फ्लोर पे बैठे होते हैं आपके साथ को वर्कर्स होते हैं वो अपोजिट जेंडर के भी होते हैं वो डिफरेंट ग्रेड्स के भी होते हैं डिफरेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसिस के भी होते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन करते हुए भी, भी आपने बहुत ख्याल रखना है कि कहीं वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन के दौरान अगर आप जूनियर हैं और हाई अप से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो बहुत ही पोलाइट होना चाहिए अगर आप सीनियर हैं और जूनियर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो बहुत ही प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए और इसी तरह हमने अपने एनवायरनमेंट को स्ट्रेस फ्री बुलिंग फ्री और हरासमेंट फ्री बनाना है कि जब हम सब अपनी हदूद का ख्याल रखेंगे अपने प्रोफेशनल मैनर का ख्याल रखेंगे और दूसरे की इंटरेस्ट को दूसरे की रिस्पेक्ट को सामने रखेंगे तो फिर हमारी इंटरेस्ट और हमारी रिस्पेक्ट भी सामने रखी जाएगी ये तो हमने डिस्कस किया कि वी में किस तरह से साइबर बुलिंग के हम एक्सपीरियंसिस देख सकते हैं अब यह है कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं साइबर बुलिंग के हम जानते हैं कि डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं सैडनेस में लोग चले जाते हैं कुछ लोग एंकर में चले जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में निकल जाते हैं उनकी अपनी साइबर बुलिंग की वजह से कुछ लोगों के अंदर फियर आ जाता है एक और इसका जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है कि उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लूज़ कर देते हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो टीचर्स हों या कोलिग्स हों वो फिर आइसोलेशन में चले जाते हैं अपने आप को आलूव कर लेते हैं सोशल सर्कल से निकल के अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं आइसोलेशन में फिर अगर वो स्टूडेंट्स हो तो उनको एकेडमिक डिफ़िकल्टीज आती हैं वो अपनी लर्निंग को आ, फोकस नहीं कर सकते वो अपने उन इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस को आपके अंदर जो एक स्टूडेंट के अंदर बुलिंग की वजह से जो डिप्रेशन uh, एन्जाइटी आ जाता है वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा होता तो उसकी लर्निंग बहुत हद तक इफ़ेक्ट होती है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हम साइबर बुलिंग की वजह से अब साइबर बुलिंग जो है उसको रोकना इतना आसान नहीं है उसको रोकना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर एक तो लोगों को इसका शूर नहीं है कि क्या वो उनके इस बिहेवियर से उनके इस कम्युनिकेशन से साइबर बुलिंग हो रही है या नहीं तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके किसी भी बिहेवियर से आपके किसी भी मैसेज से आपकी किसी भी कम्युनिकेशन का कोई हार्म तो उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है किसी को उस कम्युनिकेशन से उस मैसेज से हार्म तो नहीं मिल रहा जब आप ये देखेंगे और ये कंसिड्रेशन रख लेंगे अपनी कम्युनिकेशन में तो आप यकीन जानिए कि साइबर बुलिंग के कंट्रोल में काफ़ी हद तक हमें मदद मिलेगी इससे रिलेटेड बहुत सी और प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया कि आपका तशखस आपकी पर्सनैलिटी ही बिल्कुल डैमेज हो जाती है आपका इंटेलेक्ट बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है आपका वैल्यू सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है साइबर बुलिंग की वजह से तो इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोग हो क्यों नहीं रहा क्योंकि पेरेंट्स को भी शायद इसका इलम नहीं है हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स समझते हैं कि स्टूडेंट हमारा यूनिवर्सिटी जा रहा है कॉलेज जा रहा है स्कूल जा रहा है तो वहाँ पे बेस्ट एनवायरनमेंट है जो टीचर्स हैं जिनको हम एजुकेटर्स कहते हैं उनको भी इसकी अवेयरनेस नहीं है तो एम्पथी का एक कॉन्सेप्ट है जब हम एम्पथी के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे पुटिंग योर फीट इन समन एल्स शूज़ तो फिर ये एम्पथी जो है वो आपकी साइबर बुलिंग को स्टॉप करने में हेल्प करेगी जब तक हम एम्पथी पर नहीं चलेंगे साइबर बुलिंग को हम कंसीव ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे इस बिहेवियर से साइबर बुलिंग हो रही है तो इसमें एक इशू क्या है कि अवेयरनेस का इशू है दूसरा इशू क्या है कि पेरेंट्स इसमें साथ नहीं देते तीसरा इशू ये है कि एजुकेटर्स को इसके बारे में नहीं पता होता उनको ख़ुद इसके बारे में एजुकेशन नहीं है एक और इसका फीचर यह है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं साइबर बुलिंग के वो भी इसमें इतने ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले नहीं करते जब तक उनके पास कंक्रीट या क्लियर एविडेंस ना आ जाए तो एक ये भी वजह है कि हम साइबर बुलिंग को स्टॉप क्यों नहीं कर पा रहे अब हमने ये ज़रूर देखना है कि इस इनएविटेबल सिनेरियो में हमने अपने आप को अपने इन्वामेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीकाकार है कि आप इसको रिपोर्ट कीजिए किसी एडल्ट को यहाँ एडल्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है वो पेरेंट भी हो सकता है टीचर भी हो सकता है या कोई सीनियर मेंबर भी हो सकता है तो आपने ऐसा जो इशू है वो अपने कोलीग के साथ अपने पेरेंट्स के साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो टीचर के साथ या पेरेंट के साथ अगर आप टीचर हैं तो अपने कोलीग के साथ या सीनियर के साथ आपने उसको डिस्कस करना अच्छा और कुछ वो छोटी सी माइनर जो चीज़ें हैं जो इग्नोरेबल हैं जो नेग्लिजिबल हैं उनको आप कोशिश कीजिए कि आप इग्नोर कर दीजिए और उनको अपने दिल पे अपने हवास पे सवार मत कीजिए उनको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो आपकी इग्नोरेंस से ही स्टॉप हो जाएंगे फिर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि अपने अकाउंट्स की प्राइवेसी को समझिए आप जानते हैं कि जब भी हम किसी वेबसाइट पे या किसी ख़ास रिसोर्स पे जब हम जाते हैं तो वो हमसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्राइवेसी सेटिंग्स की जो हमसे वो अप्रूवल मांगते हैं उसका तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं कि अपने पासवर्ड्स को सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर मत कीजिए उनके ऊपर जितनी प्रोटेक्शन आप लगा सकते हैं उनको लगाइए और सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही आगे शेयर कीजिए उसी को सिर्फ आप पब्लिक कीजिए फिर ये है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा एविडेंस हो जाता है साइबर बुलिंग का तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए फ़ौरन क्योंकि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर आप आ, कोई चीज़ पोस्ट करते हैं या आप कोई कमेंट करते हैं तो वो डिलीट भी कर सकते हैं आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं तो अगर कोई साइबर बुलिंग का शिकार है तो उसको चाहिए कि फ़ौर उसका एविडेंस अपने पास सेव कर लीजिए ना सिर्फ सेव कर लीजिए बल्कि जो एडल्ट की डेफिनेशन हमने पहले बताई उस एडल्ट के साथ शेयर भी कर लीजिए पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक आपने करना ही नहीं है सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन को आपने पब्लिक करना है जितनी इनएविटेबल है जिसके बगैर हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल नहीं सकते ये आपने ज़रूर कंसिडर करना है कि आप किससे बात कर रहे हैं जब आप ये देख लेंगे कि किन से बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक प्रोफेशनलिज्म का आंसर उसके अंदर शामिल हो जाएगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो टीचिंग प्रोफेशन के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी कहने से पहले कुछ भी रिस्पोंड करने से पहले कुछ भी पोस्ट करने से पहले कुछ भी अनाउंस करने से पहले आप एक पॉज लीजिए उसको दोबारा देखिए उसको रीड आउट कीजिए और उसके बाद आप उसको जब पोस्ट करेंगे तो हम इस तरह के बिहेवियर से अपने आप को और दूसरों को बचा सकते अगर आप लोग साइबर बुलिंग के ऊपर मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो ये लिंक आपके पास अवेलेबल है आप इसको मज़ीद देखिए अच्छा वीजू में रहते हुए हम डिफरेंट सेमिनार्स वर्कशॉप्स और एक्टिविटीज़ करवाते हैं जो साइबर बुलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं जिसकी एक मिसाल ये आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है कि हमने ट्वेंटी uh, ट्वेंटी में एक इंटरनेशनल बर्लिन यूनिवर्सिटी के साथ हमने टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन के साथ हमने ये कोलेब्रेशन की उनके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ उनके रिसोर्स पर्सन के साथ और हमने दो दिन की वर्कशॉप करवाई अपने कोलीग्स के लिए कि वो समझें कि साइबर बुलिंग क्या है और उसको कंट्रोल किस तरह से करना ये डॉक्टर एन्या है जो जो इसको देखती हैं जर्मनी में जिनका डिपार्टमेंट है और उसकी उनकी स्पेशलाइजेशन भी साइबर बुलिंग में है ये आ, मिस सोनिया है इन्होंने एक टूल भी बनाया हुआ है ऑनलाइन कि साइबर बुलिंग को किस तरह से कंट्रोल करना है स्टूडेंट्स के एंड पे क्या है टीचर्स के एंड पे क्या है तो ये दो दिन की कंपनी वर्कशॉप में हमने इसको देखा ये तमाम मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है आप लोग अगर इसको मज़ीद देखना चाहें उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज टूल भी बनाया हुआ है साइबर बुलिंग को मेजर करने के लिए आप उसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा और इस तरह की मल्टीपल एक्टिविटीज़ वीज्यू में ज़रूर होती हैं तो आप लोग जो न्यू फैकल्टी मेम्बर्स हायर हुए हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में वर्कशॉप में ज़रूर पार्टिसिपेट किया कीजिए थैंक यू वेरी मच